हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्राइंग एडुटेक चैनल। आज हमारा टॉपिक है हाउ टू डिवाइड ए सर्किल इनटू 14 इक्वल पार्ट्स, अर्थात एक सर्किल को हम लोग कैसे 14 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले एक सुइटेबल रेडियस के साथ एक सर्किल ड्रा कर रहा हूं। तो यह सर्किल का सेंटर पॉइंट ओ, अब इसी ओ पॉइंट को टच करते हुए एक वर्टिकल लाइन ड्रा करते हैं। तो यह पॉइंट ए और ये पॉइंट एच। तो अभी पॉइंट ओ और पॉइंट एच, ये दोनों पॉइंट का जो डिस्टेंस है इसी को कंपास की हेल्प से मेजर करते हैं। और एच पॉइंट में कंपास को बिठा के एक आर्क ड्रा करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक पॉइंट मिल रहे हैं, यह पॉइंट पी, और यहाँ पे एक पॉइंट मिल रहे हैं, यह पॉइंट क्यू। तो अभी पॉइंट पी और पॉइंट क्यू दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ड्रा करते हैं। और यहाँ पे एक पॉइंट मिल रहे हैं, यह पॉइंट आर। तो अभी पॉइंट पी और पॉइंट आर, ये दोनों पॉइंट का जो डिस्टेंस है इसी को कंपास के हेल्प से मेजर करते हैं। और ए पॉइंट में कंपास को बिठा के इसी सर्कल को पहले 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो देखिए यहाँ पे ए पॉइंट के साथ परफेक्ट मैच हो रहा है। नेक्स्ट कंपास का जो रेडियस है इसी को फिक्स्ड रख के एच पॉइंट में कंपास को बिठा के फिर इसी सर्कल को और एक बार 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो देखिए यहाँ पे एच पॉइंट के साथ मैच हो रहा है। तो अभी नेमिंग करते हैं, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, पॉइंट ई, पॉइंट एफ, पॉइंट जी, पॉइंट आई, पॉइंट जे और पॉइंट के, पॉइंट एल, पॉइंट एम और पॉइंट एन। तो अभी जितने सारे पॉइंट मिल रहे हैं सबको ओ पॉइंट के साथ मिलाते हुए लाइन ड्रा करते हैं। तो पहले पॉइंट एन और पॉइंट ओ। और लास्ट पॉइंट बी और पॉइंट ओ। तो 14 इक्वल पार्ट्स हो गया। तो एक सर्कल को 14 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।